Hello. Hi. Ashika and Naira. Yep. Ashika, yaar, badi excited hai ekdam. Bahut zyada. Mumbai. So tell me about yourself. I'm a sports person. I do this Mallakhamb. It's an Indian sports, jisme upper body, lower body, core, flexibility, stamina, sab kuch zarurat hai. जो हमारा ये स्पोर्ट्स होता है वो बस 90 सेकंड्स का होता है. सो क्विक करना ये मैंने बचपन से सीखा है और टास्क कैसे क्विक करना ये मेरे बाएं हाथ का खेल है. टेल मी समथिंग, यू हैव रिटन हियर इन योर फॉर्म कि आपके साथ यू हैड अ लेग ऑपरेशन. यस, आई वेंट फॉर द नेशनल चैंपियनशिप. मेरे को बहुत सारे गोल्ड मेडल्स भी मिले हैं नेशनल में. मैंने जर्मनी में रिप्रेजेंट किया है इंडिया को. 2 साल पहले की बात है, नेशनल कॉम्पिटिशन में थी एंड हम लोग का लास्ट एक लैंडिंग होता है, तो वो लैंडिंग के बीच में, दो मैट्स के बीच में मेरा पैर चले गया था और मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था. सो आई गॉट द सर्जरी. उसके बाद बहुत वेट भी पुट ऑन हो गया था, 75 kg प्लस मेरा वेट हो गया था. डॉक्टर ने तो बोला था कि आप शायद ये स्पोर्ट्स फिर से खेल ही नहीं पाओगे, बट खेलना नहीं है ये मैंने कभी सोचा ही नहीं है. स्कूल में भी, कॉलेज में भी मलखाम गर्ल करके मुझे पहचाना जाता था. नेवर गिव अप, ये मेरा बचपन से अभी तक मोटिव यही है. बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ मैं. तो अभी भी आप मलखाम करती हैं फिर? अभी भी करती हूँ. तो आप कुछ दिखा दीजिए. Wow, so nice. Thank you. Naira, excited, nervous, kya scene? Super excited, nervous, thodi si ho gayi usko dekh ke, but theek hai, koi baat nahi, chalta hai. Naira, apne bare mein bata yaar. So, मेरा नाम नायरा आहूजा है, 25 साल की हूँ, छोटे से शहर, ब्यूटीफुल शहर भोपाल से हूँ. बाय प्रोफेशन क्या करती हूँ, क्वेश्चन मार्क मेरी लाइफ में अभी तक चल रहा है, बिकॉज मैंने कैमरे के सामने एक्टिंग मॉडलिंग भी की, कैमरे के पीछे जाके मैंने क्रू का काम भी किया, क्रिएटिव डायरेक्शन भी किया, आर्ट डायरेक्शन भी किया. अब अपनी इंडस्ट्री को क्विट करके मैं बैंगलोर के कोने में छुप के बैठी हूँ दुनिया को बिना बताए कि मैंने इंडस्ट्री क्विट कर दी है. बिकॉज मेरी फैमिली को चाहिए था कि यार अब बॉम्बे में तुमने 5-6 साल स्ट्रगल कर लिया, अब छोड़ के आओ, घर में पैसों की ज़रूरत है, हेल्प करो. अभी मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये कि माई डैड, सो ही इज़ अ सेल्समैन, वो टोबैको सिगरेट के वो 2-3 थैले लेके अकेले वो जाते हैं एक शॉप पे सेल करते हैं. ही 60 years old एंड मेरे दादा दादी, मेरी मॉम का खर्चा उन पे. तो मेरे लिए अभी फेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस शो में आना इंपॉर्टेंट है, शो को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बाद मेरे लिए जो दरवाजे खुलेंगे ना वो मेरे लिए नहीं, मेरे डैड के लिए खुल जाएंगे कि मैं एटलीस्ट उनको एक बेटर लाइफ दे पाऊंगी. तो मेरे लिए अभी मेरा पैशन क्या है कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, कुछ बड़ा करना है, ताकि मैं अपने बाप को बोल सकूं कि पापा बस अब बैठ जाओ, अब मेरे पे जिम्मेदारी है. नायरा, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जब मैं भी मुंबई आया था, मैं भी छोटे से शहर मोगा है एक पंजाब के अंदर, वहाँ से आया, सपने बड़े थे और लोग पूछते थे कि क्या करने आया, तो मैं बोला था कि यार अपने माँ बाप की नाम ऊँचा करने आया हूँ, बस उनको प्राउड फील करवाना है, वही है.